नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर्स वर्ड बाय बराड। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड 9 इंग्लिश इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वर्ड्स। मींस इन दिस वीडियो यू विल फाइंड इंग्लिश वोकैबुलरी। बट बिफोर गोइंग फर्दर आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट इफ यू आर क्यूरियस टू इंक्रीज योर नॉलेज देन मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। Because here you can find videos related to English literature, English journal, English grammar, spoken English UGC NET exam, vocabulary, phrases, and many other educational motivational videos. And apart from this, day-to-day history. तो ज़्यादा time ना waste करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी video. Let's start it. तो दोस्तों आज का हमारा पहला word है लैचरी। हिंदी में कह लीजिए अय्याशी, मतलब पैसे के जरिए गलत कामों के जरिए ऐश करना। इसके सिनोनिम्स हैं डिवाउचरी और हार लॉटरी। नेक्स्ट वर्ड है डिसाइब्ड, मतलब ठगा हुआ, जिसको ठग लिया गया हो, जिसके साथ चीटिंग हुई हो। इसके सिनोनिम्स हैं चीट्ड, डिसअपॉइंटेड, फॉक्स्ड। डिसअपॉइंटेड वैसे निराश होता है और फॉक्स माने लोमड़ी। लोमड़ी चलाक होती है, वो ठग लेती, तो आप इसको याद रख सकते हो फॉक्स्ड। Disappointed, foxed, cheated. Third word is consent, सहमति। Consent, सहमति। इसके synonyms हैं agreement, approval, या फिर give permission। ये तो आपने सुने होंगे agreement कर लेना, approval कर देना, give permission। याद रखना consent मतलब सहमति। Fourth word is heed, सावधान या फिर परवाह। हीड मतलब सावधान रहना या फिर परवाह करना। इसके सिनोनिम्स हैं मेडिटेशन, कंसीडरेशन, नोटिस, अटेंशन। मेडिटेशन होता है ध्यान लगाना, कंसीडरेशन मतलब कि ध्यान से किसी को कंसीडरेशन करना, नोटिस करना, अटेंशन। फिफ्थ वर्ड इज ट्वैग, झनकार या फिर ठनठनाहट, जब भी कोई चीज़ साउंड करती है। सिनोनिम्स इसके हैं क्लिंक, स्ट्रम, जिंगल। जिंगल बेल आपने सुना होगा क्रिसमस डे पे जो प्राइज बांटने के लिए जो आता है सेंटा क्लॉस, उसके पास होती है जिंगल, तो वो भी तो छनकार या फिर ठन ठनाहट की आवाज़ करती है। सिक्स वर्ड इज इनक्लाइन, इच्छा या फिर झुकाव, मतलब कि आपकी किस तरफ आपका झुकाव है या फिर आपकी इच्छा है। इसके सिनोनिम्स हैं डिज़ायर, डिज़ायर जो कार का नेम होता है उससे आप याद रख सकते हो, लाइक या फिर लीनिंग। लीनिंग होता है झुकाव, किसी की तरफ झुकना। टुडेज सेवंथ वर्ड इज डेलमा, दुविधा, जब भी आप डाउट में हो। इसके सिनोनिम्स हैं डाउट, डिफिकल्टी और प्रॉब्लम। याद रखना दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है डायलिमा। एट्थ वर्ड इज ट्रिमुलस, डरपोक, ऐसा इंसान जिसको डर लगता है, जिसके अंदर जो क्रेजियस नहीं है, साहसी नहीं है, उसको बोलते हैं ट्रिमुलस, डरपोक। इसके सिनोनिम्स हैं कावर्ड, क्रीप, माउस, टिमिड, येलो हर्टेड या फिर येलो लीवर्ड। इसका लीवरी येलो हो, जो माउस के जैसा हो, काओ के जैसा हो, काओ गाय है ना, काउड, माउस, क्रीप। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है ये भी ट्रिमुलस। तो दोस्तों आज का लास्ट वर्ड बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि मैं इस चैनल के जरिए नॉलेज को स्प्रेड कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो यार छोटा सा काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है, ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग स्लाइड वगैरह खुद तैयार करनी पड़ती है। कम से कम एक वीडियो में 2 से 3 घंटे का टाइम मेरा वेस्ट होता है, तो आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है, सिर्फ 1 या 2 सेकंड में रेड कलर का जो वहाँ पे आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है। तो आज का हमारा लास्ट का वर्ड है इंटीमेशन, सूचना देना, इत्तला करना। किसी को सूचना देनी हो, इत्तला करना, तो बोल सकते हो कि इसको इंटीमेशन किया गया था, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हैं इंफॉर्मेशन, अनाउंसमेंट, डिक्लेरेशन।
डिक्लेयर करते ना कोई चीज़, मतलब कि घोषित कर देना, डिक्लेयर कर देना, अनाउंसमेंट कर देना, इन्फॉर्मेशन कर देना। सो थैंक यू गाइज, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।